देखिए, काफी दिनों की सियासी हलचल के बाद भी पाकिस्तान से खबर ये है कि इमरान खान अब भी अपने मुल्क के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना कि फिलहाल वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी विपक्ष उनको कुर्सी से तुरंत हटा नहीं सका और इमरान ने विपक्षी नेता को पीएम की कुर्सी पर बैठने के सपने को मुकम्मल नहीं होने दिया। और इस बीच बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि आज देश की जनता से प्रधानमंत्री इमरान खान फोन पर बातचीत भी करेंगे, यानी कि जनता से वो क्या बात करते हैं ये देखना होगा। इमरान खान आज देश की जनता से 3:30 बजे बात करेंगे। पाकिस्तान की कराची की ये तस्वीरें इमरान खान की उस जीत का जश्न और ऐलान है जो वो बिना लड़े ही जीत चुके हैं। कुर्सी तो वैसे भी नहीं बचेगी, लेकिन अपने मास्टर स्ट्रोक से इमरान खान संसद में वोटिंग के दौरान हार की जरालत झेलने से बच गए। और संसद के भीतर भी जब संसद भंग करने में इमरान कामयाब हो गए तो संसद के भीतर इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और फिर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया। इमरान खान ने राष्ट्रपति को मध्यावधि चुनाव कराने की सलाह दी और तब तक राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को कहा है और 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा है। राष्ट्रपति ने इमरान खान को कार्यवाहक पीएम बनाया। संविधान के अनुच्छेद 224A का इस्तेमाल। जनता का समर्थन तो इमरान को दिख रहा है, सवाल है कि इमरान खान पीएम की कुर्सी पर और कितने दिन बने रहेंगे, क्योंकि सियासत में उनकी स्मार्टनेस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। उधर सेना ने भी इमरान से मुंह मोड़ लिया है, साफ कह दिया है कि मौजूदा राजनीतिक उठापटक से सेना का कोई लेना देना नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।